पहाड़ के अंदर आग को बुझाने में, आग को कंट्रोल करने में एक तरफ से जो हमारे जो अग्नि बटियाई होती थी, जो फायर लाइन होती थी, उनकी एक बड़ी भूमिका ये थी। और हम देखते हैं कि अंग्रेजों के दौर में जो उन्होंने अलग अलग श्रेणी के जंगलों को अलग करने के लिए 16 मीटर तक चौड़ी अग्नि बटियाई बनी हुई थी, लेकिन आज वो अग्नि बटियाई पूरी तरह से खत्म हो गई। नई अग्नि बटियाई मेरी जानकारी में नहीं है कि आजादी के बाद हम कहीं नई अग्नि बटियाई बना पाए हैं। नई बनाना तो छोड़िए, जो पुरानी अग्नि बटियाई थी वो खत्म हो गई है, उनमें पूरे पेड़ उगाए हैं। कई बार मुझे याद है कि जब इन सवालों को कई जगहों पर हमने उठाया तो किसी बार एक बार उन्होंने तो इस बात को भी स्वीकार किया था कि उन्होंने, मेरे को एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने लगभग 10.5 लाख के आसपास का कुछ बताया था। पूरे प्रदेश के अंदर जो अग्नि बटियाओं में इतने पेड़ उगा गए हैं, बल्कि उन्होंने कहा था कि क्या इतने पेड़ों को कैसे कटवा दें। फिर यहाँ पर यह सवाल उठता है कि जब हर साल अग्नि बटियाओं की सफाई के नाम पर हर साल बजट आ रहा होता है, तो वो पेड़ कैसे खड़े हो गए, वो अग्नि बटियाई साफ क्यों नहीं हुई? तो इसका मतलब है कि उसका बहुत उस पेशे का ठीक से उपयोग नहीं हुआ। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि पहाड़ के अंदर भी एक जगह से आग लगती है और जब तेजी के साथ पूरा फैल रही होती है, तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह आपको चाहिए जहां पर आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। और उसमें आगे जो फायर लाइन होती थी, इनकी बड़ी भूमिकाएं होती थी, ये खत्म हो गई, तो आज तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। एक कारण तो मुझे ये लगता है। ये है वनाधिकार कार्यकर्ता ईश्वर चंद जोशी। पिछले 2.5-3 दशकों से वनों को लेकर, भू कानून को लेकर पहाड़ों में काम कर रहे हैं। बसोली, ताकुला, अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। वनों पर एक बहुत बेहतरीन समझ आपकी है। नमस्कार दोस्तों, आइए अपने जंगल बचाएं कार्यक्रम के 7वें एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनीता भास्कर और आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का ये कम्युनिटी रेडियो है। आज के इस एपिसोड में ईश्वर चंद जोशी बहुत सारी जानकारी लेकर आए हैं, तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। ईश्वर चंद जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ईश्वर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो वनों में आग लग रही है, आप बिल्कुल जंगल के बीच में रहते हैं, लगातार काम कर रहे हैं, क्या वजहें हैं कि लगातार ये आग बढ़ती ही जा रही है और किस तरह से आप इस पहाड़ की आग को देखते हैं? निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि आज जो है दावानल एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आ रहा है और ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। और जहां तक मैं समझता हूँ, इसका कोई एक कारण नहीं है। इसको हम सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग कह करके या सिर्फ अधिकारों की बात करके या एक दो चीज को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि जो चारों तरफ जो परिस्थितियां बन रही है उसके, मैं समझता हूँ कि उसके कई कारण है। जहां तक आग लगने का सवाल है, पहले तो मेरा मानना है कि इसमें से लगभग 98% तो जो आग लगती है वो लापरवाही उसका मुख्य कारण होता है, और लगभग 2% हम मानते हैं कि वो जानबूझ करके या फिर वो जो असामाजिक तत्व होते हैं वो उस आग को लगा रहे होते हैं। यहाँ पर हमको एक बड़ी चीज लगती है कि देखिए, मेरा ये मानना है कि आग लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और हम कितनी भी कोशिश करें आग लगना खत्म नहीं कर सकते। हाँ, उसको हम कंट्रोल, काफी हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब आग एक बार लग रही है, जो हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं कि जंगल में एक बार जैसी आग लगना शुरू होता है, तो उसको कंट्रोल करना एक प्रकार से नामुमकिन सा लगने लगा है। और अधिकतर स्थितियों में हमने देखा है कि या तो फिर जब पूरा जंगल जल जा रहा है तो उसके बाद ही आग जो है बुझ रही है, या फिर कभी अगर प्रकृति मेहरबान हो जाती है और बारिश हो जाती है तो उसके बाद वो आग हमारी बुझ रही है। और लेकिन जो हमारे सारे प्रयास है, वो प्रयास जो है या फिर जो हमारे दावे होते हैं तमाम आग को लेकर के, वो सब धरे के धरे रह जा रहे हैं जब एक बार जंगल में आग लग रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो कंट्रोल न हो पाने वाला है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर क्यों हम इसको जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और इसको हमको थोड़ा सा मुझे लगता है कि देखने की जरूरत होगी। तो ये जो कंट्रोल नहीं हो पाना था, क्या ये पहले भी हुआ था, आज से 10-20 साल पहले भी, या अभी ही हो रहा है? नहीं, पहले हम देखते हैं ना, पहले आग लगती थी तो एकदम से कंट्रोल हो जाती थी। आप पूरा देखिए, एक जगह लगता था, एक इलाका जरूर जलता था, लेकिन हो जाती थी। लेकिन आज जो कंट्रोल नहीं हो पा रही, और इसको जो मुझे जो लगता है, इसको कई चीजों में हमको एक साथ देखना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि जब पहाड़ के अंदर मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं, ये जो अंग्रेजों के समय से जो आग बुझाने के तौर तरीके थे, मुझे लगता है कि हम उन नया बहुत ज्यादा नया प्रयोग या नए काम उस पर करना तो छोड़िए, उनको भी ठीक से हम आज नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ये लगता है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो जो हकूकों की जो आपने बात करी थी, तो जो हक हकूक थे लोगों के, वो जिस तरीके से पिछले दौर में हम देखते हैं कि आजादी के बाद के दौर को पूरा देखें, जिस तरह से चुके नृत्य पार्कों का विस्तार हुआ, उसका इको शिशिजोल का कॉन्सेप्ट आया है, वन पंचायतों के अंदर लोगों के राइट्स खत्म हुए, टिम्बर राइट जो हमको मिलता था वो आज पूरी तरह से खत्म हो गया है। यहाँ तक कि 2001 के फॉरेस्ट एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें देखें तो वन उपज शब्द उसमें जोड़ा गया है कि वन उपज का उपयोग जो है वो आपका वन अपराध की श्रेणी में डाल दिया, वन उपज के अंदर आप ये सब चीजें देख रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है कि जिसके चलते लोग और
जंगल और लोगों के बीच की दूरियां बड़ी है, तो आज जब जंगल में आग लग रही है तो लोग आग बुझाने के लिए उनका जो उत्साह दिखता है लोग जाते हैं, जबकि पहले सब लोग जानते हैं कि गांव का गांव इस बार आग लगती थी, गांव का गांव जो है आग बुझाने के लिए दौड़ पड़ता था। अब लोगों का जो हक को खत्म होने से ये सब जाना बंद हो गया, लोगों का सहयोग मिलना बंद हो गया, तो ये एक बड़ा कारण दिखता है। तीसरी बात अगर हम कहते हैं तो जिस तेजी के साथ चीड़ वनों का विस्तार हुआ है जी, और ये सब लोग जानते हैं कि चीड़ जो है आग का सबसे बड़ा कारण है, और चीड़ वन पिछले दौर में हमारे बहुत तेजी से बढ़े। अगर हम 2003 को देख रहे हैं, 2003 से पहले आजादी के बाद अगर जितना प्लांटेशन हुआ वन विभाग ने किया उसमें चीड़ की बहुत ज्यादा प्रमुखता रही है। 2003 में जो आया उसके साथ ही हुआ कि वन विभाग की नर्सरी में चीड़ के पेड़ नहीं दिए, वहां से थोड़ा सा रोक लगी। चौथा इसमें एक चीज जो हक के साथ हम जोड़ करके देखते हैं, तो ये सब लोग जानते हैं कि पहाड़ के अंदर लोगों को ब्रिटिश पीरियड से ही जो है उनको टिम्बर राइट मिलता था जी, जिसमें मकान बनाने के लिए, गौशाला के पुनर्निर्माण के लिए, और हर गांव का उसको कोटा होता था कि इस गांव को इतना घन मीटर लकड़ी मिलेगी, और ये जो लकड़ी मिलती थी पहाड़ में चीड़ के पेड़ मिलते थे और परिपक्व पेड़ मिलते थे जी। और मोटा मोटा अगर आप कहें कि एक गांव को अगर हर साल 10-15-20 पेड़ भी अगर कच्चे और परिपक्व पेड़ चीड़ के मिल लेते तो उत्तराखंड के अंदर लाखों की संख्या में हर साल चीड़ का पेड़ कटता था जी। तो ये इसने जो है चीड़ वनों के विस्तार को रोक रखा था, क्योंकि चीड़ को तो खत्म कर दिया है। नहीं, ये क्या रहा कि 1998 के बाद से देखते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट वाले मामले पर फिर जब ये हरे हरे पेड़ पर तो प्रतिबंध लगा दिया, हरा प्रतिबंध लगा बिल्कुल दंगे नहीं, और दूसरी तरफ जो सूखे गिरे पड़े पेड़ थे उनको देने के बाद ही उनको पहले वन निगम उठा लेता है। जब उनको वन निगम उठा ले रहा है जब, तो वो पेड़ है नहीं, और चीड़ का पेड़ भी 6 महीने साल भर अगर जमीन पर गिरा पड़ा रहता तो खराब हो जाता। और बाद के दौर में इस पर भी जो ब्रिटिश पीरियड में जो हक का कोटा उनको मिलता था उस पर भी लगभग 60% की कटौती कर दी। उसका कारण यह है कि लोगों ने जब सूखा गिरा पड़ा पेड़ था लोगों ने उसकी डिमांड नहीं करी, क्योंकि वो जो मिली था ही नहीं आसपास से ही, तो उसके बाद वो उस पर भी कटौती कर दी। तो आज ये भी नहीं रहा, क्योंकि चीड़ को तो देखते हैं ना वो कितने जो है उसकी बीज को तो जो है उसको पंख दे रखा उड़ने के लिए, वो पूरा फैलता है और फैल करके बहुत आसानी से जाता है। और आजादी के बाद हमको एक चीज और दिखती है कि जब आप लोग प्लांटेशन सक्षम दिखाना आता तो इसके लिए चीड़ के वृक्षों का ही वनीकरण उस दौर में ज्यादा किया गया, इलाके को आप बंद कर दीजिए वहाँ 2-3 साल के लिए, तो अपने आप ही चीड़ का जंगल तैयार हो जाता था। तो ये तमाम सारी चीजें रही है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, चीड़ को अब हम देखते हैं कि जब आजादी के बाद के दौर में भी साथ क्या हमारे देश में हम लोग देखते थे 60-70 के बीच में 2 बार यहाँ के जंगलों का जब ठेका हुआ, जंगलों की जीतौर में नीलामी हुई थी पहाड़ के पूरे जंगलों की, तो पहाड़ में बड़े स्तर पर चीड़ के जंगल उस दौरान काटे गए थे, और बीच बीच में कुछ पेड़ छोड़ दिए जाते थे, और जो परिपक्व पेड़ होते थे बीच बीच फैलता था, तो कुछ सालों में जंगल तैयार हो जाता था, आज पूरा जंगल है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ चीड़ के वनों का जो विस्तार हुआ है ये भी आग का एक जो प्रमुख कारण है उनमें एक कारण ये दिख रहा होता है। दूसरा एक चीज और मुझे जो थोड़ा सा बड़ी वो दिखती है, चिंता वाली लगती है, कि जब हम ये देख रहे होते हैं कि जब इसकी हम लोग बात कर रहे होते हैं जंगल में आग और इन तमाम सारी चीजों की, हम सिर्फ न्यूज सकते जंगल में आग लग रही होती है, अप्रैल के बाद हम मार्च अप्रैल के बाद हम आग की बात कर रहे होते हैं, जुलाई के बाद हम आग की बात भूल जाते हैं, फिर अगली बार फिर जब आग लगती है तब आती है। लेकिन ये आग का साल भर जो काम करने की जरूरत है, क्योंकि जिन इलाकों के अंदर आपकी थोड़ा नमी बनी रहेगी, घास होगी, और उस इलाकों के अंदर आपकी आग कम लगेगा। अब जो काम वन विभाग को करना चाहिए था एक बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, जो चाहे वो ट्रंचेज की बात हो, चाहे वो चेक डैम्स की बात हो, चाहे आपका जो है परमुलेशन पॉइंट की बात हो, ताकि अगर वर्षा के पानी को जंगलों में रोक करके अगर नमी बनी रहेंगी तो वहाँ आग कम लगेगी। लेकिन ये वाला काम बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा, हालांकि कुछ कुछ जगहों पर काम हमको दिख रहा है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा उस साइंटिफिक तरीके से वो काम हमको नहीं दिखता है। तो ये काम ये जाने की भी जरूरत हमको लगती है, क्योंकि जो पानी है ना जमीन के अंदर तो पानी जा ही नहीं रहा, हो तो पूरा का पूरा बह करके जिस तेजी के साथ चला जा रहा है। खेती का जो सवाल, तो पशु का जो सवाल था, ये भी एक बड़ा आपका कारण हमको लग रहा होता है कि पशुपालन हमारे यहाँ बहुत तेजी से घटा है पिछले सालों में जी जी। और अब जो लोगों के और आज जो है जंगल और गाँव के रिश्ते भी तमाम चीजों में आज बदल गए हैं, अब जंगल पर लोगों की निर्भरता उस तरीके से आज नहीं रह रही है। अब पशु गांव में नहीं है जैसे पहले, तो हम अगर मैं बिनसरी की बात करूं हमारे यहाँ, तो यह बसोली और यहाँ तक के लोग जो है उतने ऊपर बिनसर भी टॉप में जाकर के जंगल से घास लाते थे, लेकिन अब जो है गांव में ही अगर उनको जो जो घास है, पिछले दौर में रहा कि जब वन कानून हुए सेंचुरी के अंदर जाना बंद हुआ तो लोगों ने
चौड़ी पत्ती के बजाय घास के जंगल अपने आसपास के जो मागे होते हैं या अपने खेत होते हैं वहाँ पेड़ तैयार कर लिए। अब वो अब अपनी जरूरत यहाँ से पूरी कर ले रहे हैं, तो जंगल से कोई बहुत ज्यादा जाना ना रह गया। यहाँ भी एक चीज और आई है कि जो पलायन हुआ है गाँव से, तो पलायन होने के चलते क्या रहा है कि जो जो माघों में जो घास होती थी ना, बरसात में हमारा जो घास होती है अक्टूबर के महीने में जो पत्ती जो सूखे घास जो ढेर लगता था वो जंगल से लोग काट करके ले आते, तो जंगल में साफ रहता था। अब जंगल तो छोड़िए, घरों के आसपास के माघों से भी जो है वो घास पूरी नहीं कट रही है, जानवर ही नहीं है, लोग पलायन कर गए हैं और वो घास वो आग का एक बड़ा कारण बन रहा है। तो ये जो रिश्ते बदले हैं, मुझे लगता है कि ये भी एक 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 बड़ा मामला है। तो ये पिछले दो दशकों में काफी बड़ा बदलाव आया है जिसने सब कुछ बदल के रख दिया है। जी जी जी, मैं पिछले बारे में देख रहा था, हम गोल्डन सेंटर की तरफ आ रहे थे, टीम घर से लौट रहे थे, उसके बाद फिर गोल्डन सेंटर में, तो मैं देख रहा था कि रोड के आसपास इतनी ऊंची ऊंची सूखी घास, वो पता नहीं लगता पिछले साल की है। मेरे गांव के अंदर भी आज मैं देख रहा हूँ कि जब मेरे माताजी लोग तो इतनी दूर दूर से जंगल से घास लाते थे, लेकिन आज घर के आसपास जो खेतों में और उसके जो हमारे मांगे होते हैं लोगों के पास, उन मांगों में सूखी घास पिछले साल की अभी भी पड़ी हुई है। वो उसको कोई काटने वाला नहीं है, और अगर कहीं से भी लापरवाही से उसमें एक चिंगारी अगर लग जाती है तो घर के बगल से पूरा चला जाएगा। वो एक बड़ा कारण है। और दूसरा, आज के समय में जो एक थोड़ा सा खेतों वाला भी जो मामला है, खेतों में जो वो जलाते हैं, ये अभी तक गेहूँ की फसल कर ली है उसके पराली को जो जलाया जाता है और इस सब खेतों में जलाते हैं, लेकिन वो कई बार होता है लापरवाही के चलते खेत से लगे फिर आपके ऊपर वो जंगल है फैल जाती है, ये वाली घास भी ऊपर की तरफ आग फैल जाती है, तो ये भी एक बड़ा कारण हमको लग रहा है कि आग का। जी जी है। इस वजह अभी तो आप बिल्कुल गाँव में है, एकदम जंगलों के बीच में है, यही आपने अरसे तक काम किया है, वन देखते हैं वन महकमा जिस तरह से काम कर रहा है, फायर वॉचर हैं, फॉरेस्ट गार्ड हैं, इनका जो अमला है वो किस तरह से काम करता है, उसमें कहाँ पे आपको लापरवाही नजर आती है? इसमें हमको दो तीन तरह की चीजें दिखाई दे रही है। एक तो जो गरीबा का ढांचा है वो बिल्कुल उल्टा हो गया है। जो हम देख रहे हैं कि आज मेरे ख्याल से लगभग 30-31 के आसपास तो आपके कंजर्वेटर बना दिए गए हैं, ऊपर तो अधिकारी पे तो आपने पूरा का पूरा जो है लगातार आप इतने पद क्रिएट कर दिए हैं, इतने ज्यादा बना दिए हैं अधिकारी रैंक पर वहां बना दिए, लेकिन निचले जो जमीन में काम करने वाले जो आपके फॉरेस्ट गार्ड है, आज भी फॉरेस्ट गार्ड को बहुत बड़ा बड़ा इलाका आपसे दे रखा है, उसके लिए देख पाना संभव ही नहीं है, कहीं कहीं तो दो दो तीन तीन बीटों को एक फॉरेस्ट गार्ड देख रहा है वो, तो ऐसी स्थिति में वो जंगल को कैसे देख पाएगा, एक तो ये बड़ा सवाल है। दूसरा, जो सीजनल फायर वॉचर है, सीजनल फायर वॉचरों की जो नियुक्तियां की जाती है दो तीन महीने के लिए, उसमें बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि जो ये नियुक्तियां की जा रही है, एक तो ये वहाँ की पंचायत को, वहाँ की वन पंचायत को इनको विश्वास में लेकर के बात हो रही है। कई बार तो गांव वालों को पता ही नहीं कि यहाँ सीजनल फायर वॉचर में किसको रखा हुआ है। वो बन जाएगा अपने हिसाब से, उनके जो अपने तमाम लोग होते हैं, कहीं पर तो ठीक व्यक्ति बन जा रहे हैं, लोगों की बात होता है, लेकिन अधिकतर लोग हम देख रहे हैं कि वो उसको नियुक्त कर देते हैं। बीच में मैं कहीं ये भी देख रहा था कि जो जो है, हालांकि उसका मेरा ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन मैं कहीं बीच में इंटरव्यू देख रहा था बनकर के अधिकारी ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि कई जगहों पर उनकी नियुक्ति में जो है पता चला कि वहां तो आपने 10 दिखा रखे हैं और रखे वहाँ 5 ही है और 5 का पैसा जो है ये जा रहा है, ये गड़बड़िया कुछ दिन पहले ही मैं एक इंटरव्यू में देख रहा था कि पहले बिहार के कोई अधिकारी इस बात को कह रहे थे, ये सब गड़बड़िया भी हुई है और रिटायर्ड अधिकारी थे, तो एक तो ये दिक्कत हो जाता है। दूसरा क्या हो रहा है कि जब आप सीजनल फायर वॉचर की नियुक्ति कर रहे हैं उसमें कुछ समय पर पैसा नहीं मिल पा रहा है। तीसरा क्या कहते हैं इस पूरे में जो है आपने देखा कि भाई अभी बारिश की संभावना कम हो रही है, तो आपने साथ से जो है वो 2 महीने के अंदर उनको वहां से हटा लिया, या जब आप जीवन तबाह उड़ाने की बात कर ली, तो एक तो ये भी एक बड़ा दिक्कत है कि जिस संख्या में सीजनल फायर वॉचर होने चाहिए और जो वहाँ के पंचायतों को वन पंचायतों को तो विश्वास में लेकर के उस काम को करना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा होता है, वो एक बड़ा दिक्कत की बात है। कई बार क्या है कि जब आपकी पूरा तैयारियां नहीं है, चाहे बतिया ही नहीं है और आपके पास यंत्र नहीं है, आज भी जो है हम क्या कर रहे हैं, एक टहनी तोड़ करके पेड़ों की कच्ची टहनी तोड़ करके उससे आग बुझा रहे होते हैं, और जब 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 इस तेजी के साथ और जब आग जलती है तो दावानल की जो घटना इस तरह से पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में ये कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके चलते कई बार क्या होता है कि जब कई कई दिन ये भी हमारे सामने घटनाएं सामने आई कि जब फर्ज गाड़ या जो सिग्नल फायर था 2-5 दिन वो लगातार उस आग को बिछाने में लगी, उनसे नहीं बुझ रहा, उन्होंने कहा यार रोज उसका बवाल हो रहा है, क्यों नहीं इस टाइम उसको बत्ती देना, कहते हैं बत्ती देना, और एक अच्छे बत्ती तो और एक साथ ही जंगल उसको जला डालो, कम से कम 4 दिन का आराम तो रहेगा। ये इस तरीके से चीजें भी व्यवहार में देखने को मिली है। जी 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 जी, उपकरण भी वही पुराने हैं और वो भी बहुत ही कम है। और अभी मैं आज के अखबार में देख रहा था, आज या कल के अखबार में, अब फायर सीजन आपका समाप्त, मतलब कुछ समय समाप्त होने वाला है, लेकिन ये उपकरण और तमाम सारे चीजों के अब टेंडर होने की बात हो रही है।
अब बताइए, मेरे ख्याल से आज के ही आज या कल के मैं कहीं 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 हिंदुस्तान या उसमें कहीं अखबार में देख रहा था खबर को। अब आप बताइए, इससे लग रहा है कि आप कितने सिंसियर हैं, कितना गंभीर आप आज के प्रति, जो दिसंबर जनवरी में जिस काम को हो जाना चाहिए था, बिल्कुल अगर आज टेंडर होगा और उसके बाद भी आप देंगे कि अभी पानी की बोतल और कुछ रैक और इसके अलावा बाकी ऐसा कुछ उपकरण है नहीं, तो बहुत ज्यादा हद तक लापरवाही वो है वन विभाग की तरफ से हो रही है। निश्चित तौर पर हम लगेंगे कि लापरवाही तो ही है, लापरवाही है और तैयारी नहीं है। कई बार बजट करवाना उनका रहता है, 2-3 साल पहले की बात है कि भाई जो 1-2-3 हजार रुपए हो सकते हैं सिंगल फायर ऑफिसर को सर मिलता था और वो भी 1-1.5 साल हो गया था, उनको पेंशन ही नहीं मिला था। उस मामले में फिर हम लोगों ने बार बार उठाया और ये सर क्या तब जाकर के दिया। उसके बाद जो चुनावी अधिकारी थे उनका कहना था कि देखिए ये पैसा तो अभी आया ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं पैसा। तो ये इसके लिए जब तक हमारा लगता है कि DFO स्तर पर भी कहीं ना कहीं एक ऐसा कोष हो जिस कोष पर उसका नियंत्रण हो और अभी संभाला तमाम सारी चीज में खर्च कर सकते हैं आवश्यक जब जब जरूरत पड़ रहा है। अभी साल का बजट अगले साल आएगा, अगले साल का फिर आएगा, तो उससे चीज के चलते समय पर सीजन फायदा को पैसा नहीं मिल पाएगा या ये तमाम सारी चीज भी मुझे लगता है कि ये दिक्कत पैदा तो कर रही है। हर चीज के लिए क्या इनको क्या देहरादून स्तर पे या दिल्ली के स्तर पे देखना पड़ता है बजट के लिए? तो उनका तो यही कहना है कि जो प्रभागीवन अधिकारी है तब उनसे हमारी बात हुई है, कई बात हुई पिछले 7-8-10 सालों में, तो उनका कहना है कि हमारे पास पहले से कोई बहुत बजट ऐसा कुछ है नहीं इसका कि फिक्स कि हम जो है इसको कर सके। जब खर्च होता है उसके बाद सब देते हैं, फिर वो बाद में वो पैसा आता है, ये सब चीजें हर एक दिक्कत है, ये उनका उनका अपना मानना है कि दिक्कत है जी। तो इस जी बहुत ही शानदार जानकारी आपने अपने पूरे अनुभव से बताई है कि क्या क्या दिक्कतें आपको लग रही हैं। मुझे लग रहा है काफी बातचीत हो गई है। चलते चलते अगर आप थोड़ा सा वन कानून पे थोड़ा और बताना चाहेंगे कुछ संक्षिप्त शब्दों में कि जो वन उपज का जो हिस्सा ले लिया इसकी वजह क्या है, मतलब गाँव के लोग अगर जंगल नहीं जाएंगे वहां से वन उपज नहीं लाएंगे तो फिर कैसे वो पशुपालन करेंगे, कैसे वो गाँव में रहेंगे, वजह क्या है ये सब कानून लाने की? नहीं दरअसल तो बड़ी दिक्कत आई है ना, पिछले हम देख रहे हैं कि तमाम चीजों पर जो राज्य बनने की बात तो हमको उम्मीद थी कि शायद हम ये कहते थे कि वन पंचायत जैसा सिस्टम हमारे यहाँ है जो एक बड़ा संघर्ष के बाद हमारे बुजुर्गों ने ब्रिटिश हुकूमत से जो है इसको प्राप्त किया है, इसको मजबूत करेंगे। और हमारा मानना था कि रिजर्व फॉरेस्ट का प्रबंधन भी वन पंचायत सिस्टम से किया जाना चाहिए, वहां के प्रबंधन में भी लोगों की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार इसका उलट हुआ है। अगर 2001 में हम देखते हैं कि राज्य बनने के बाद जो पहला ही नियमावली में जो संशोधन किया था उस वक्त की जो अस्थायी सरकार यहाँ पर थी उत्तराखंड के अंदर, उसने वन पंचायत नियमावली बदली और वन पंचायत नियमावली बदल करके वो कहीं ना कहीं पूरा वन विभाग के नियंत्रण में दे दिया। और आज हालत यह है कि अपनी इच्छा से जो वन पंचायत है एक सूखा गिरा पड़ा पेड़ भी गांव के हकदारक को देने का अधिकार आपके वन पंचायत के पास थी, आपके सरपंच के पास थी, उसके लिए DFO से परमिशन लेनी है और वन विभाग के शेड्यूल्ड रेट में आप उसको बेचेंगे, रंगे नहीं बल्कि बेचेंगे, तो इस तरह से वन पंचायत आपने दूर करी। दूसरा जो हमारे पास रिजर्व फॉरेस्टर रहता है कि 2001 में ही जो फॉरेस्ट एक्ट 1927 है उसमें हमारे उत्तराखंड सरकार ने भी उसको संशोधन किया, उस वक्त उत्तरांचल था और उत्तरांचल सरकार ने संशोधन किया। उस संशोधन में जो उसका सेक्शन 26 होता है जो कहता है कि वन के अंदर निषिद्ध कार्य क्या होंगे, जैसे पहले उसमें लिखा हुआ था कि पेड़ को घसीटना, वृक्षों को नुकसान पहुंचाना, वृक्षों को किसी भी तरह की क्षति पहुंचाना, तो उन्होंने वृक्ष एवं वन उपज शब्द उसमें जोड़ा, वन उपज को किस तरह की क्षति पहुंचाना, और जब ये अपराध के सिरे में डाल दिया और वन उपज की जब परिभाषा आप देखते हैं तो उसमें ये सब आता। तो कुल मिला के ये हम कह रहे हैं कि यहाँ वन अधिनियम के अंतर्गत भी हमारे जो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर भी हमारे हकूकों को सब करने की कोशिश की, टिम्बर राइट हमारा एक प्रकार से आज की तारीख में खत्म करने की बात कर दी गई है। उसके बाद हम देख रहे हैं जो पूरा जो बात के दौर में हमारा सेंचुरी नेशनल पार्कों का विस्तार होना, उसके बाद जो इकोसिस्टम जोनों का बनना, ये जो लगातार एक के बाद एक चीज आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं जो पहले के भी कानून थे जिन कानूनों में लोगों के अधिकारों को सीमित किया था या और अधिक सीमित करने की बात कर रहे हैं। मैं गाँव में रहता हूँ, पार्क के अंदर रहता हूँ, मेरे नाक खेत में चीड़ का पेड़ उग गया, तो कानून चीड़ के पेड़ की कहीं निकालने का राइट मुझको नहीं है। तो इन सब चीजों के चलते भी कई बार जो है वो दिक्कतें पैदा हो रही है लोगों के सामने। पहाड़ में चीड़ को बढ़ावा देने में आपको लगता है कि वन विभाग का बड़ा रोल है क्या? पौधारोपण के समय में क्या चीड़ के पौधे भी रोपे गए हैं? नहीं, निश्चित तौर पर आजादी के बाद के अगर दौर को देखते हो जब, तो उसमें जो बड़ा प्लांटेशन हुआ है वो चीड़ का हुआ है। दूसरा आग काक को हम इसके साथ भी हमको जोड़ना पड़ेगा, एक पक्ष मुझे लगता है कि हमारा छूट गया था, जो मानव वन्यजीव जो संघर्ष पिछले दौर में तेजी के साथ बड़ा हुआ है जी। तो उन चीजों के चलते भी लोगों का कहीं ना कहीं मन के अंदर इस तरह का भाव भी आ रहा जो बहुत खतरनाक है कि भाई नहीं ये तो ये आग लगी जाएगी तो ये जंगलों में जानवरों ने तो इतना नुकसान कर दिया। मुझे कल एक मित्र का किसका फोन आ रहा था देहरादून से, तो वो जिक्र कर रहे थे
कि जब हम गांव में घूम रहे तो कई जगह लोगों ने ये कह दिया कि देखिए ये यहाँ ये लग जाएगा तो जंगली जानवर जो नीचे की तरफ आ जा रहे हैं हमारे घर के पास आ रहे हैं, कम से कम ये बहाने कुछ मर जाए कुछ हो जाए। तो ये वाला जो जो हिंसक जानवर है बेसिकली जो सुअरों ने जिस तरीके पूरा खत्म कर दिया है, बंदरों ने जिस तरीके पूरा नुकसान कर दिया है, शेर का आतंक है, लेपर्ड का आतंक है, तो हम कहीं ना कहीं मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने में हम पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। और ये इसके प्रति भी कई बार है जंगल और उनके प्रति लोगों के अंदर जो जो वो दूरी बढ़ रही है और जो वन और जन के बीच जो दूरी बढ़ रही है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा घातक है वो हमारे और ग्लोबल निश्चित तौर पर इन सब का असर भी कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग की हम बात कर रहे हैं तो पहाड़ के अंदर ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं उसके लेकर जिम्मेदार होती है। जी जी, आग लगने की वजह से क्या वन्य जीव संघर्ष बढ़ेगा? आपको लगता है कि जंगली सुअर और ज्यादा आएगा अगर जंगल में आग लगेगी तो? निश्चित तौर पर ये हुआ है, हम तो देख रहे हैं कि अपने आके जैसे हालांकि उस तरह से जो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि वो जो कल देहरादून की जो साथी है उसे बहुत सहमत नहीं हुई, क्योंकि होता क्या है जब जंगल की तरफ आग लगता है अब उससे जो जैसे सुअर है, सुअर तो गधेरे के पास पानी वाली जगहों पर ही ज्यादा रहता है और जब ऐसी घटनाएं होती है चाहे लेपर्ड है दूसरा, वो गाँव की आबादी की तरफ बढ़ता है, वो इधर आता है और उससे जो है और ज्यादा घटनाएं बढ़ने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। आजकल आप देख रहे हैं यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ हमारे गाँव में तो आजकल 2 बजे 3 बजे कल ये पिछले हफ्ते ही है दिन में 2 बजे घर के आगे में आकर के आगे वाले खेत में आकर के बकरी को हिपन से उठा दिया था उसने और दिन भर इस तरह घूमते रहे। दो दिन तो हमने फॉरेस्ट वालों से कहा कि आकर के थोड़ा फायर वायर कर दीजिए, इनको भगा दीजिए। वो दिन में 2 बजे 3 बजे घर के आंगन में इस तरह खेतों में आ जाता है, एक आदमी ने पत्थर मारा तो और नजदीक आ गया तो उनको दरवाजे बंद करके अंदर घुसना पड़ा, बल्कि खबर अखबार में भी खबर लगी थी। तो ये परिस्थितियां हैं। ये लेपर्ड हमारा तो बिल्कुल आप बोला किसी को आप देख सकते हैं खेतों की आबादी में घूमता हुआ दिखेगा। तो ईश्वर जी काफी बातें हो गई, आपका तो इतना अनुभव है, इतना आपका है अनुभव कि आप कितने घंटे भी बोल सकते हैं। फिर कभी हम लोग इस पर विस्तार से बात करेंगे अधिनियम पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हेलो हल्द्वानी रेडियो एक कम्युनिटी रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन अगर आप पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज के जरिए, यूट्यूब चैनल के जरिए इन कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं। आपके फीडबैक का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए। नमस्कार।